हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 100% नेचुरल हेयर डाई बनाना बता रही हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल को ऑप्शन दबाना ना भूलें। मैंने गैस पे ये लोहे की कढ़ाई को गर्म करने के लिए रखा है। गैस को मैंने लो और मीडियम रखा है। इसी के अंदर मैं 4 चम्मच आंवले का पाउडर डाल रही हूँ। आंवले का पाउडर आप घर में किस तरह से बनाते हैं, इसका वीडियो मेरा ऑलरेडी डला हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। इसे इसी तरह से हमें थोड़ा सा भूनना है ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसे आप इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहिए, काफी जल्दी ये भून जाता है। इसका कलर जो है थोड़ा सा हमें डार्क करना है। काफी सारा धुआं निकलने लगा है, खुशबू भी आंवले की इसमें से काफी बढ़िया आ रही है। मुझे इसे भूनते हुए 1 मिनट का समय हो चुका है। आप देख सकते हैं काफी सारा धुआं निकलता है इसमें। इससे आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि इसे हमें कलर जो है इसका काला करना है, इसीलिए इसे हम भून रहे हैं। देखिए थोड़ा भून चुका है। इसी के अंदर हमने चाय पत्ती डाल रही है। देखिए 1 चम्मच, 1 चम्मच और। मैं इसमें सिर्फ 2 ही चम्मच चाय पत्ती का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको हमें अच्छे से भूनना है। मुझे इसे भूनते हुए 2 मिनट का समय हो गया। ये देखिए कलर जो था थोड़ा सा इसका चेंज हो गया है। अगर आपके बालों का कलर जो है थोड़ा सा ब्राउन शेड में, तो बस इसी स्टेज पे इसे आप निकाल लीजिए और ठंडा करने के लिए रख दीजिए। अगर आपके बालों का कलर थोड़ा सा डार्क और काला है, तो इसे आप थोड़ा सा और काला कर लीजिए। इसे पूरी तरह से काला होने में कम से कम 5 मिनट का समय लगेगा। मुझे इसे करते हुए 5 मिनट का समय हो चुका है। गैस को अब मैं बंद कर रही हूँ, क्योंकि काफी अच्छे से इसका जो कलर है वो डार्क हो गया है। जैसे ही इसका कलर ज्यादा डार्क हो जाएगा, इसमें से धुआं जो है काफी ज्यादा मात्रा में निकलेगा। लोहे की कढ़ाई है हमारी, इसका भी जो हमें आयरन है वो भी हमें इसमें मिलेगा काफी अच्छे से। इसे आप नॉर्मल कढ़ाई में मत बनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके पास लोहे का तवा है तो उसका भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो क्या जो भी बर्तन यूज करेंगे आप, वो काफी ज्यादा थोड़ा सा काला तो जल जाएगा। लोहे की कढ़ाई के अंदर काले के कारण इतना हमें फर्क नहीं पड़ेगा। इसे थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसे हमें अच्छे से ठंडा करना है। मैंने इसे इस तरह से थाली के अंदर ठंडा करने के लिए रख दिया था। इस तरह से छूने पर आपको ये बिल्कुल भी गर्म नहीं लगना चाहिए। देखिए हमारे हाथों को ये किस तरह से काला कर रहा है। इसे अब हमें मिक्सी में डाल के अच्छे से बारीक पीसना है। मैंने मिक्सी का एक छोटा वाला जार लिया है, इसी के अंदर से आप पूरा डाल दीजिए। ये देखिए काफी अच्छे से मैंने इसे पीस लिया। इसका कलर आप खुद देख सकते हैं कितना बढ़िया और एकदम डार्क कलर आ गया है। मैंने एक प्लेट ली है, प्लेट के अंदर इस तरह से बारीक जाली वाली जो छलनी आती है उसका यूज करें। आप भी बारीक का यूज कीजिए। अगर आपके पास बारीक नहीं है तो इसे आप कपड़े से भी छान सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें थोड़े से भी मोटे पार्ट्स रह जाएंगे तो हमारे बालों में वो अच्छे से चिपकेंगे नहीं, वो अलग से नजर आएंगे, इसलिए हमें इसे छानना जरूरी है। देखिए मैंने अच्छे से छान लिया, इतने मेरे पार्ट्स जो है वो थोड़े से मोटे निकले। ये हमारे किसी भी काम के नहीं है। अगर आप मेहंदी लगा रहे हैं, उसके लिए पानी तैयार कर रहे थे, उसके अंदर इसे आप डाल सकते हैं, या फिर इसे आप वेस्ट की तरफ फेंक भी सकते हैं, या फिर इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। मेहंदी जब भी डालें उसके अंदर आप इसे डाल लीजिए, क्योंकि आंवला और चाय पत्ती हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया, इस तरह से हमारा स्मूथ और फाइन पाउडर हमें चाहिए। बस इसी तरह से हमारा पाउडर जो फाइन होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से आप पाउडर बनाकर ज्यादा क्वांटिटी में भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका यूज हमें तुरंत ही करना है। बस इस तरह से अगर आपके पास पाउडर बना हुआ रहेगा तो आपको इसे यूज करने में टाइम बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगेगा। मैंने ये वैसलीन लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा ही लेना है हमें, ज्यादा मात्रा में इसकी हमें इसमें जरूरत नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। इसके अंदर आप पाउडर डाल दीजिए, इसे आप अच्छे से मिक्स कीजिए। इस तरह से आप इसे मिक्स करते जाएंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा।
मुझे इसमें वेसलिन थोड़ा सा कम लग रहा है, मैंने थोड़ा सा और लिया है। आप चाहें तो इसे डबल बॉयलर की मदद से भी इसमें अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, या फिर इस तरह से थोड़ी देर तक अगर इसे करते रहेंगे ना तो काफी अच्छे से मिक्स हो जाता है। बस इसे हमें थोड़ा सा गीला करना है। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी के अंदर कुछ बुन में सिर्फ नारियल के तेल की डाल रही हूँ, 5 से 6 बुन मैंने डाली है ताकि इसमें एक अच्छे से शाइनिंग आ जाएगी। बस आप चाहें तो सिर्फ इसे नारियल के तेल से भी बना सकते हैं, लेकिन नारियल का तेल क्या काफी अच्छे से इस पर चिपक नहीं पाएगा। मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, आप खुद देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया और एकदम डार्क कलर आ गया। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही आपको ये बनाना बताया, कोई आपको थोड़ा ही बनाना, ज्यादा मात्रा में आपको इसको यूज करने की जरूरत भी नहीं है। एक तो मैंने आपको ये वेसलिन से बनाना बताया, दूसरा आप एलोवेरा जेल से भी बना सकते हैं। मैंने ये एलोवेरा जेल लिया है, बस इतना ही हमें चाहिए। थोड़ा सा इसके अंदर मैं ये पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा पाउडर मैं और डाल रही हूँ। इसे हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है, एकदम पतला नहीं करना है। इससे भी हमारा काफी जल्दी ये बनके तैयार हो। दोनों तरीके से ये बनाना बता दिया है, इसके अलावा पाउडर को किस तरह से बनाना है वो तरीका भी आपको बता दिया, लेकिन इसे यूज किस तरह से करना है वो बता रही हूँ। इस पाउडर को आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, ये बिल्कुल भी हमारा खराब नहीं होता है। इसे इस तरह से मिलाने के बाद आप 1-2 हफ्ते के अंदर इसे खत्म कर दीजिए, ज्यादा लंबा इसे स्टोर मत कीजिए। मैंने बर्ड्स लिया है, देखिए बिल्कुल काला कलर आएगा इसका। इसे आप, मैं आपको हाथ पे लगाना बता रही हूँ इसलिए मैंने बर्ड्स का यूज करा है। आप चाहे तो इसे जो हेयर ब्रश आता है उसका भी यूज कर सकते हैं, मुझे जो पसंद है वो भी आपको मैं बताऊंगी। मुझे एलोवेरा वाला इतना पसंद नहीं आता है क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं रहता है। इस तरह से वेसलिन का अगर यूज करके इसे हम लगाते हैं तो हमारा जो ये वाटर प्रूफ बन जाता है। अगर आप बारिश में कहीं जा रहे हैं तो आपके बालों में ये चिपका रहेगा, लगा रहेगा, निकलेगा नहीं। किसी भी तरीके से इसे आप लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से लगा हुआ है, इसके ऊपर मैं आपको पानी डालकर दिखा रही हूँ। ये देखिए वेसलिन वाला आप देख सकते हैं, और एलोवेरा वाला जो था हमारा पूरा सिर्फ पानी लगने से ही निकल गया। इसीलिए आपको मैंने पहले ही बताया था जो मुझे पसंद है वो आपको मैं बताऊंगी। वेसलिन वाला ये देखिए पूरा ऐसा कैसा है, इसलिए मैंने आपको इसके ऊपर पानी डालकर बताया। ये देखिए हाँ, ये सिर्फ पानी डालने से नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप साबुन का यूज करेंगे या फिर शैम्पू का यूज करेंगे तो पूरी तरीके से निकल जाएगा। इससे हम तुरंत हमारे बालों को काला कर सकते हैं। हमने जो ये डाई बनाई है, ये हमारी डाई जो है इंस्टेंट वाली है, वाटर प्रूफ भी है, आपको मैंने बताया भी है, लेकिन अगर आप एलोवेरा वाला यूज करते हैं तो ये वाटर प्रूफ नहीं रहेगी। अगर इसके अंदर वेसलिन यूज करते हैं, या फिर कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम वेसलिन हमारे बालों में नहीं लगा सकते हैं, तो आप नारियल का तेल है या फिर जो भी ऑयल आप अपने बालों में लगाते हैं उसका आप इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे अचानक से आपको कहीं जाना है, आपके बाल कुछ व्हाइट दिख रहे हैं, उसे आपको इंस्टेंट करना है, तो ये पाउडर आप बना के रख लीजिए, तुरंत इसे लगा लीजिए, तो आपके जो व्हाइट बाल है वो तुरंत हमारे छुप जाएंगे। लेकिन ये हमारा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने बालों को काला करने वाला हेयर ऑयल डाल के रखा हुआ है। उससे टाइम जरूर लगता है उससे, लेकिन बाल जो है हमारे व्हाइट है वो ब्लैक होने लग जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। डाई जो है हमारे बालों को नुकसान करती है, लेकिन ये हमारे बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर आंवले का पाउडर यूज करा है और चाय पत्ती ली है। आंवला और चाय पत्ती हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, किसी भी प्रकार से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। ये हमने इंस्टेंट वाला बनाया है, इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से बनाना बताया। बिल्कुल सिंपल है, आप इसे बना के रख लीजिए, जब आपका मन करे इसे थोड़ा सा आप तुरंत लगाइए, आपके जो व्हाइट हेयर दिख रहे हैं वो छुप जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।